पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। ये देखिए डॉन, हे भगवान, ये तोहफे हैं या हथियार? और ये सब तो गुंडे बदमाशों के इस्तेमाल करने का सामान है। भला ससुराल में किसी बहू का इन सब से क्या वास्ता है ना? क्या है यो सब? तू और तेरे घर वाले आखिर क्या जताना चाहते हैं? यही कि सरकार खुद वाले गुंडे और बदमाश हैं। तुमने न शिव की मूर्त बनाई, न पूजा की, न व्रत रखा, और यू सब करके तू पूरे समाज में, पूरे गांव में अपने ससुराल की धुत करवा रही है। जसोदा मैया, मेरे मम्मी जी और पापा जी यो सारी चीजें ना बेच सकते। सगुन की पाए जरूर मेरे घर से आए तोहफे किसी ने बदले हैं। ये क्या बोले जा रही है तू? अपने माँ बाप की गलतियां छुपाने के लिए तू हम पे उंगली उठा रही है? आप मेरी बात सुनिए। मैं चुप, एक शब्द और ना। गलती मान लेने में कोई बुराई ना है, बुराई है उसे छुपाने में। माना कि तूने कदम कदम पर हम सब की बड़ी मदद की है, लेकिन बस बहुत हो गया। तू इस घर में अब ना रहेगी, क्योंकि तू मरमीत की पत्नी ना। चल, हाँ निकालिए समाजी। सुन मैं, ये बात तो सुनी है। माँ, अरे क्या बात होगी माँ, क्या कर रही है? बस तू एक शब्द ना बोलेगा बीच में। आज इसकी वजह से पूरे समाज, पूरे गांव के सामने पूरे परिवार का अपमान हुआ है, और अपमान सिर्फ तोहफे का ना हुआ है, अपमान हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज का हुआ है। और मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये ना। बहुत हो गया, लेके जा इसे, लेके जा और छोड़ के आ इसके मायके। लीजिए छोटे देवर जी, प्रकटी का सामान, जाइए और उसने मायके छोड़ाइए। देख के रहा है, उठा सामान और ले जाए इसमें। यो कंगन तो चप अमित कहीं ना जाएगी। क्योंकि वो तोहफे मीत हुड्डा के घर से आई ना थे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।